हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस यस यस। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोग धन्यवाद करें धन्यवाद करें। कुछ प्रभु के नाम को धन्यवाद करें। ओ प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए मेरे प्रिय। प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरा शरण स्थान और बल है। विशेष कर आइए हम सभी लोग जो परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य द्वारा आज बात न करेंगे। वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है आज परमेश्वर की महान करुणा का फल है जो आज हम जीवित और चंगा भला स्वस्थ पाए जाते हैं। मेरे प्रिय जनों आज आइए सभी लोग विश्वास के साथ घुटनों के बल में आ जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आज की सुंदर मेरे प्रभु जी इस शुक्रवार उपवास प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर में प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। ओ मैं प्रभु तेरे निकट में आता हूँ। प्रभु मैं तेरी हुजूरी में आता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग आज उदास हैं प्रियो आज प्रार्थना में बैठ जाओ। सभी लोग विशेषकर सभी लोग प्रार्थना में बैठ जाओ। प्रभु से आज सभी लोग प्रार्थना में बैठ जाएंगे। आज प्रभु से कहेंगे पिता मैं जो है आज तेरे पास में आता हूँ। मैं तेरे निकट में आता हूँ प्रभु जी। आज की सुंदर मेरे प्रभु इस दिन में आज की सुंदर समय प्रभु मैं तेरे पास में तेरे निकट में आता हूँ राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोग विश्वास के साथ प्रार्थना को सुनो। सभी लोग विश्वास के साथ प्रार्थना को सुनो। प्रभु से कहो कि प्रभु तू आज इस समय मेरे जिंदगी में काम कर मेरे परिवार में काम कर। ओ मेरे लाइफ में तू काम कर। मेरे लाइफ में जितने भी आज गड़बड़ियां हैं ओ मेरे लाइफ में जितने भी आज चिंताएं हैं दुख हैं ओ समस्याएं हैं बीमारियां हैं ओ गरीबी है हर एक प्रकार की प्रभु विशेषकर आज फास्टिंग प्रेयर शुक्रवार उपवास प्रार्थना किया सुबह के भोर के समय मॉर्निंग प्रेयर में आज मेरे प्रभु इधर उधर बिल्कुल ना देखें आंखों को बंद करके घुटनों के बल में आ जाए और इस समय प्रभु से प्रार्थना करें। आपके पास में प्रभु की आत्मा है। आपके पास में प्रभु का सामर्थ है। वो आपके पास में प्रभु की आत्मा है। वो चाहता है मेरे प्रिय बेटा बेटी आज जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। मेरे प्रिय जनों आज जो कोई प्रार्थना करेगा जो कोई यीशु मसीह के नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। उसके जीवन में कल्याण होगा। आज परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो जो सोचे हो सब पूरा होने जा रहा है। चिंता मत कर रो मत घबरा मत विश्वास के साथ प्रार्थना कर। तेरे लाइफ में आज सारी समस्या तेरे जिंदगी में सारे दिक्कत ओ सारे चिंताओं को परमेश्वर आज दूर हटाने जा रहा है। ओ सारी मुसीबतों को परमेश्वर दूर हटाने जा रहा है। ए मेरे परमेश्वर दया कर प्रभु दया कर पिता। हालेलुया हालेलुया। ओ चंगा करने वाला परमेश्वर बचाने वाला मेरे प्रभु जी इस समय मेरे प्रियजनों सभी लोग आओ। सभी लोग प्रभु के पास में बैठ जाओ। सभी लोग प्रभु के पास में बैठ जाओ और इस समय मेरे प्रियो ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा सब कुछ होने वाला है। इसलिए आज डरो नहीं घबराओ नहीं। आज प्रार्थना करो प्रार्थना करो। प्रभु से आज मांगो 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 मांगो। आज कोई चुप मत रहो। आज सब लोग धन्यवाद करो धन्यवाद दो धन्यवाद दो धन्यवाद दो। आज प्रभु यीशु मसीह की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। हालेलुया यस ग्लोरी जीसस। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। ओ राजाओं की राजा मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रशंसा करता हूँ। ओ ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ओ परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक जन के जिंदगी में ओ हर एक जन के परिवारों में वो सारे अंधकार की ताकत वो सारे अंधकार की शक्तियां आज यीशु के लहू में जलकर राख हो जाने पाए प्रभु जी। ओ यीशु के लहू में जलकर राख हो जाने पाए पिता। ओ री बाबा बा यस 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 यस। ओ यीशु पापा धन्यवाद। ओ यीशु पापा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ आपके हर एक बेटी ओ बेटा बेटियों के लिए आपके हर एक उन प्रिय जनों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य के द्वारा हे प्रभु दया करो पिता दया करो दया करो दया करो दया करो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर बचाने वाला प्रभु जी आदि और अंत अल्फा और ओमेगा परमेश्वर आपके वचन में कहा सारी चिंता मुझ पर डाल दो सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो। मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ मैं तुम्हारा जो है ख्याल करता हूँ मैं तुम्हारे सारे चारों तरफ जो है मैं ढाल और सुरक्षा बन के खड़े रहूँ का कह रहा है परमेश्वर। इसलिए आज डरो नहीं घबराओ नहीं प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। आज कोई चुप मत रहो मेरे प्रियजनों। आज कोई चुप मत रहो। प्रभु से प्रार्थना करोगे तो आज सारे बंधन आज टूट जाएंगे आज सारे बंधन टूट जाएंगे और परमेश्वर की ओर से आज अद्भुत रीति से बड़े आशीष को प्राप्त करने पाओगे आज। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करो मेरे प्रियजनों। विश्वास के साथ जो भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा वो विश्वास के साथ जो भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसकी जिंदगी में उसके परिवार में उसके घर में आज परमेश्वर बड़े अद्भुत चमत्कार
करने जा रहा है। आज विश्वास का डरो नहीं, आज विश्वास का डरो नहीं, घबराओ नहीं, प्रार्थना करो। आज सारे बंधन टूट जाएंगे, आज सारे बंधन टूट जाएंगे, सारी समस्याएं आज हट जाएगा। चिंता मत कर, प्रभु से प्रार्थना कर, चिंता मत कर, प्रभु से प्रार्थना कर। आज सारे तेरे जिंदगी से आज जो भी आज योजना है सब पूरा होने वाला है। चिंता मत कर, आज घबरा मत, उदास मत हो, निराश मत हो, मत डर, क्योंकि आज तेरे परमेश्वर तुझे आज उत्तर देने जा रहा है। आज तेरे परमेश्वर तुझे उत्तर देने जा रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना को सुनेगा, विश्वास के साथ प्रार्थना को बोलेगा, आज तेरी जिंदगी में वही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास के साथ वही होने वाला है, विश्वास के साथ सुन ले, आज सब कुछ वही होने वाला है तेरी जिंदगी में। हालेलुया। कई लोग मसीह भाई बहन डरते हैं, घबराते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, कमजोर अपने जीवन को फंसा देते हैं, परेशानियों में सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि फास्टिंग, प्रेयर, शुक्रवार, उपवास, प्रार्थना में मैं तेरी जिंदगी से, मैं तेरे घर से वो सारे दुखों को, आज वो सारी चिंताओं को, आज बीमारी नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, वो समस्या नहीं रहेगा आज। लेकिन परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में चंगाई आएगा, आपके जीवन में चंगाई आएगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा, परमेश्वर आपके लाइफ को बदल देगा। आप कभी नहीं डरेंगे नहीं, आप कभी निराश और हताश नहीं होंगे, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी घबराएंगे नहीं। लेकिन आज आपको जय जयकाल प्रभु देगा। आज आज यीशु मसीह आपकी समस्याओं को दूर हटाएगा, आज रोग और बीमारी तेरी जिंदगी से बाहर हट जाएंगे, वो समस्या तेरी जिंदगी से बाहर हट जाएंगे, चिंता आज तेरी जिंदगी से बाहर हट जाएंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना सुनो मेरे प्रियजन, विश्वास के साथ जो भी व्यक्ति प्रार्थना सुनेगा उसकी जिंदगी में, उसके लाइफ में आज बोलेंगे और बातचीत करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। उदास मत हो मेरे प्रियजन। यस 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 यस। हालेलुया हालेलुया यस। परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से फायर होने पाए। इसी वक्त हम रिलेट करते हैं, इसी वक्त छू लो परमेश्वर, इसी वक्त टच कर प्रभु जी, इसी वक्त उनको उनकी जिंदगी से प्रभु जी सारे समस्या, अंधकार की ताकत आज इसी वक्त जलकर राख हो जाने पाए पिता, वो इसी वक्त जलकर राख हो जाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। रीबा बाबा यस 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 यस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु अंधकार की ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को हम इसी वक्त जलाकर राख करते हैं पिता, वो इसी वक्त हम जलाकर राख करते हैं सारे अंधकार की ताकतों को। छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, छोड़ो 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 छोड़ो। यस यस यस। जलने लगे, जलने लगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जलने लगे। अंधकार की ताकत आज इसी वक्त उनकी जिंदगी को छोड़कर बाहर आने लगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस यस यस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आज इस मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज इस मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, अंधकार की ताकत गेट आउट होने पाए, अंधकार की शक्ति उनकी जिंदगी को छोड़कर बाहर हटने पाए, अंधकार की शक्ति उनकी जिंदगी को छोड़ो इस मसीह के नाम से, अंधकार की शक्तियाँ इसी वक्त उनकी जिंदगी को छोड़ो मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रभु जी। इसी वक्त परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य द्वारा उनकी जिंदगी को बाहर हटने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यस 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 यस। शुक्रवार उपवास प्रार्थना इनके लिए व्यर्थ ना हो पिता, लेकिन आशीष का कारण होने पाए, इनकी जिंदगी को बदलने का कारण होने पाए, इनकी लाइफ को बदलने के लिए कारण होने पाए। और प्रभु जी कभी निराश और हताश, कभी परेशान ना होने पाए, वो कभी लज्जित ना होने पाए, कभी घबराने ना पाए, वो कभी निराश और हताश ना होने पाए। लेकिन शुक्रवार उपवास प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर, जबकि जितने लोग बड़े समर्पण के साथ अपने अपने भोजन को त्याग करके अपने जो है अपने जीवन में जो है बहुत समर्पण के साथ वो दुख और तकलीफों को सहकर उपवास और फास्टिंग प्रेयर को रखते हैं मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मैं दुआ करता हूँ, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज उनके घर में जो भी आज समर्पण के साथ प्रार्थना को सुन रहा है, विश्वास के साथ प्रार्थना को सुन रहा है, वो जैसे भी सुन रहा है प्रभु, आज इसी वक्त प्रभु आपके वचन के सामर्थ्य उनकी जिंदगी में काम करने पाए प्रभु जी। और पिता वो कभी घबराने ना पाए, कभी निराश और हताश ना होने पाए, परेशान ना होने पाए, लेकिन उनकी जिंदगी में प्रभु तेरे अद्भुत काम होने पाए पिता, उनकी जिंदगी में प्रभु अद्भुत काम हो जाने पाए प्रभु जी। और कभी डरने वाले नहीं, वो कभी निराश और हताश होने वाले नहीं, लेकिन आपके वचन के सामर्थ्य उनके जीवन में बड़े तेज रफ्तार से काम करने पाए पिता, आपके वचन उनके जिंदगी में बड़े तेज रफ्तार से काम करने पाए प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूँ उनकी जिंदगी में प्रभु आपने अपनी आत्मा को उंडेला प्रभु, अपनी आत्मा को आपने भेजा प्रभु, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। और आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आज सब लोग चंगे होंगे, और जो मांगेंगे सब कुछ आज मिल जाएगा, जो सोचे हो सब कुछ पूरा हो जाएगा, जो करने के लिए तैयार हुए हो सब कुछ आज पूरा होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है कहा। और प्रभु का वचन में कहा है देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियजनों, आज आप प्रभु के लिए कितना काम आ रहे हैं, आज आप प्रभु के लिए कितना काम आ रहे हैं, ये मायना आपके ऊपर रहता है। मेरे प्रियजनों, अगर आप प्रभु के लिए काम आएंगे तो प्रभु आपकी जिंदगी में जो भी दुख है, जो भी समस्या है, जो भी मुसीबत है, उसको आपकी जिंदगी से मेरे अलग करके तुझे आज एक नया मुकुट देगा परमेश्वर, एक नया आशीष और बरकत देगा, और तू कभी लज्जित नहीं होगा और तू कभी निराश और हताश नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। ओ परमेश्वर आज आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। ओ तेरे लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, ओ जो भी समस्याएं हैं, सब यीशु मसीह के नाम से आज निष्क्रिय हो जाएगा। आज सब यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय हो जाएगा। परमेश्वर उसको जो है आज जीवन देगा, परमेश्वर उसकी जिंदगी को बदल देगा, पवित्र आत्मा उसकी लाइफ को बदल देगा। कई बार क्या होता है, आप मेरे प्रियो अपने अपने ज्ञान, अपने 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 जो है ताकत, अपने बल और पैसे दिल का भरोसा रखते हैं, लेकिन नीति वचन 3:5 में परमेश्वर वचन कहता है तू अपने समस्त का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, कहता है परमेश्वर वचन। कई बार मेरे प्रियो हम अपने ज्ञान और अपने ताकत, अपने बलबूते का हम भरोसा रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी हैं मेरे प्रियो, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, इसलिए आप अपने जो है मिट्टी का भरोसा ना करें, इस मिट्टी का घमंड ना करें। मिट्टी मेरे प्रियो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू मिट्टी से बनाया गया और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए आप किसी चीज का घमंड ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, सब कुछ तेरी जिंदगी में सब कुछ आज पूरा हो जाएगा और तेरी लाइफ को परमेश्वर बदल देगा। तेरी लाइफ में जो भी दिक्कत है सब कुछ दूर करेगा और आपको नया जीवन देगा। मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपकी सब चीजों को ठीक किया है और सब जरूरतों को प्रभु ने आज पूरा किया है। हालेलुया, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने सारे लोगों की विनती, प्रार्थना, निवेदन, पुकार और गड़गड़ाहट को आपने सुना है प्रभु, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।